और मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसमें 100 में से अगर आप 45-46 मार्क्स भी ले आते हो तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका एडमिशन जो है जामिया में हो जाए। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जामिया MCA 2024, जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्जामिनेशन डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। अगर नहीं पता आपको तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के एक बार चेक कर लेना। एग्जामिनेशन डेट जो 26 मई था उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है ड्यू टू इलेक्शन के कारण जो है एक्सटेंड हुआ। अब हमारा एग्जाम कब है? अभी हमारा एग्जाम जो है 11 जून को है। डेट याद रख लेना, 11 जून को एग्जाम है आपका। अभी हम कहाँ पे? अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहीं पे आप JMICOE.in इस पे आओगे तो यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट करके आएगा ये नोटिफिकेशन। जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये पॉपअप, ये PDF ओपन होगा। यहाँ पे देखो M54 MCA 11/6 ट्यूजडे है, 2:30 PM से स्टार्ट होगा, 4 PM तक जो है आपका ये एग्जाम चलने वाला है। तो ये तो हो गई एग्जाम डेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एक बार एग्जाम डेट बता दो, हम कन्फ्यूजन में। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आज की वीडियो में अब हम आगे कैसे प्रोसीड करें, अब हमें क्या करना है, जो मस्ट डू टॉपिक्स होता है वो करना है, और अब हम मतलब कि अब जो बचे हुए टाइम है हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करें। तो ये वीडियो जो अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किए उनके लिए भी बेनिफिट होगा, जो कुछ ना कुछ पढ़ रखे हैं उनके लिए बेनिफिट तो होगा ही होगा, और जो लगभग ऑलमोस्ट सारे सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए तो मस्ट डू वॉच है ये वीडियो। तो आप तीनों कैटेगरी में आते हो कि तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, अभी जो है अब क्या करना है, अब कितने टाइम बचा हुआ है हमारे पास, मान लो कि 10 दिन इस मंथ के अप्रॉक्स, बाद में आप वीडियो देख रहे हो तो 10 दिन इस मंथ और पूरा एक मंथ वो, और फिर आपका 10 दिन उधर, मतलब कि अभी आपके पास अच्छे खासा टाइम है, मतलब काफ़ी टाइम है, बहुत टाइम है, मतलब इतने में आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसमें 100 में से अगर आप 45-46 मार्क्स भी ले आते हो तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका एडमिशन जो है जामिया में हो जाए। ज़्यादा नहीं लाना है आपको, एक एवरेज मान के चलो, एक की एक स्कोर अपने माइंड में बैठा के चलो कि हमें 50 मार्क्स लाने हैं, एनी हाउ हमें 50 मार्क्स लाने हैं। आप अगर आप जनरल में हो तो OBC हो, या फिर अगर और अदर कास्ट के हो, मुस्लिम हो, तो फिर आपको और कम लाने की ज़रूरत है। अब मतलब कम भी लाओगे तो भी आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये सबसे पहले आपके माइंड में स्कोर टारगेट जो है वो सेट होना चाहिए कि हमें इतने मार्क्स लाना है। तो अब 50 नंबर मैंने एक टारगेट सेट कर लिया कि हमें इतने मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कि हमें इतने मार्क्स चाहिए होंगे। अब वो मार्क्स कैसे आएंगे, किस तरीके से हमारा प्रिपरेशन होगा, जैसे देखो मुस्लिम ST SC के लिए वो 26, 24, 23 इस टाइप से कट ऑफ की वीडियोज़ भी अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में, फिर या फिर आई बटन में मैं डाल दूंगा, वो भी जा करके देख सकते हो। तो उनको 24 ही लाना है, ठीक है, उनको 24 में एडमिशन जो है मिल जाएगा। तो वो उस तरीके से जो अपना प्रिपरेशन प्लान बनाएंगे, उस तरीके से जो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, एक माइंड में स्कोर उनका बैठ गया कि हाँ मैं 24 नंबर में लाऊंगा, 24 लाऊंगा, 26 लाऊंगा, इसने में मेरे एडमिशन जो है वहाँ पे हो जाएगा, तो उस तरीके से वो प्रिपरेशन करेंगे। अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूँ तो मैं सोचूंगा 50 मार्क्स लाने, तो 50 मार्क्स के लिए मेरे को क्या करने की ज़रूरत है, क्या क्या हम कर सकते हैं वहाँ पे, उस तरीके से हमारा प्रिपरेशन प्लान जो है वो होगा। तो अभी आपको, आप अगर ST हो, SC हो, OBC हो, किसी भी कैटेगरी में आते हो, तो आपका मार्क्स 24 मार्क्स भी लाना नॉट ईजी, ठीक है। उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको जो है रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, पेपर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है किसी किसी सेक्शन में, ठीक है। तो आपको अब जो है पेपर का पैटर्न कैसे पता चलेगा, कि कैसे हमें पता चलना है कि हमारा जो है मार्क्स वो आएगा, अच्छा आएगा, तो प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मॉक लगाओगे, जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, एनालिसिस करोगे, उतना जो है आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ये जो है पॉइंट अपनाने से पहले खुद हम कैसे अपना सकते हैं, तो हम आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद जो है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, इतने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इतने करने हैं। मैं एक और अभी बता रहा हूँ कैसे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट आपको देना कहाँ पे है, ठीक है। तो MCAGyan.in पे जाओगे, ठीक है, MCAGyan.in पे जाओगे तो देखो जामिया मिलिया इस्लामिया का यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है इस कोर्स से को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अभी से जो है मॉक टेस्ट आपको कंपलसरी है देना, ठीक है। आप चाहे आप बिगनर हो, आपने कुछ सिलेबस कर रखा है, या फिर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, सभी को जो है मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। मॉक टेस्ट से क्या होता है, मॉक टेस्ट से आपको एनालिसिस का पता चलता है कि हम अभी कितने पानी में, कितने टॉपिक्स हमें और कंप्लीट करने हैं, जो टॉपिक्स हमने कर रखा है क्या उसमें भी हमसे मिस्टेक हो रही है, उसमें भी हमसे गलतियाँ हो रही। तो ये सब चीज़ें जो है
आपको वहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट का नंबर आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा प्रिपरेशन जो है हुआ है और हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे मॉक टेस्ट में एक खासियत ये है कि आपको टोटल मॉक टेस्ट मिलने वाले 30, आपको एग्ज़ाम तक 30 मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। 30 मॉक टेस्ट मिलेगा, 4 या 5 मॉक टेस्ट, 4 आई थिंक फोर्थ मॉक टेस्ट जो है अभी 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 देख रहे हो आप, आज अगर देख रहे हो तो आज अपलोडेड है। इस मंथ के एंड तक 15 मॉक टेस्ट मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं, ठीक है। अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो, अब आज कितनी तारीख है, 16 तारीख है, 16 तारीख, 16 अप्रैल है, हमारा एग्ज़ाम 11 मई को है, तो बहुत उस टाइम तक पूरे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। प्रीव्यू भी है, जा करके आप चेकआउट भी कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमारा मॉक टेस्ट होगा, आप एक मॉक टेस्ट जा करके वहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें इसको बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखते हैं, ठीक है, टाइम लग जाएगा। तो आप जा करके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, पूरे मॉक टेस्ट है। इसमें आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जितने आपके क्वेश्चंस है सिलेबस में, मतलब जितने आपके सिलेबस है, सिलेबस में जितना भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस इसमें मैंने डाल रखे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो छाट करके मैं डाल रहा हूँ। तो इवन आप अगर बुक्स की जो है लेक्चर्स हो गए, यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, बहुत मैक्सिमम सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो चैप्टर्स है उसके वीडियो लेक्चर्स जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब मिल जाएंगे तो क्या करोगे, आप कोई भी चैप्टर्स उठाना, ठीक है, उसको आप पढ़ना। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं भी करते हो, डायरेक्टली आप मॉक लगाते हो, तो भी आपको बेनिफिट होगा। उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे 100% मॉक में मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिलेबस में ये चैप्टर है और मैंने मॉक में उस चैप्टर्स के कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको एनालिसिस में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जब भी आप एनालिसिस करने बैठोगे तो सारे चैप्टर्स का आपका एनालिसिस होगा, सारे चैप्टर्स का रिविजन होगा। एक मॉक टेस्ट दोगे तो एक बार पूरे चैप्टर्स का रिवाइज हो जाएगा, ये आपके बेनिफिट करेगा। फिर सोचो अगर आप 30 मॉक टेस्ट देते हो, 30 का एनालिसिस करते हो, तो सारे चैप्टर्स 30 बार रिवाइज होगा। 30 बार रिवाइज होना मतलब कि वो चैप्टर पे पूरा पकड़ बन जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पे देखो मैथ्स के पूरे वीडियो लेक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कंप्यूटर के मिल जाएंगे, लॉजिकल के मिल जाएंगे, इंग्लिश के अभी और लेक्चर्स आएंगे, कंप्यूटर के और लेक्चर्स आएंगे, नोट्स हैं हमारे पास सभी का, अभी मैं नोट्स और डालने वाला हूँ। फिर मैथ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज टेस्ट है, अभी जितने टेस्ट डले हुए अभी और डलेंगे, इतने में नहीं होगा। फिर आपका जो है देखो टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्यूटर के भी है, लॉजिकल रीजनिंग के आपके टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, फिर आपका इंग्लिश के टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो मतलब इतना सफिशियंट है, इतना कर लोगे तो आपको कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। और आप प्राइस भी देख ही रहे हो, इतनी सस्ती में आपको सभी चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन आप इसको सिर्फ मॉक टेस्ट के नज़रिए से अगर देखोगे तो इतने में मॉक टेस्ट भी नहीं आता, ठीक है। मैं तो वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट नोट्स वगैरह सब मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इतने में। और ये भी नहीं हो सकता कि दाम सस्ता है तो ख़राब क्वालिटी होगा, क्वालिटी होगा, तो मैं क्वालिटी के लिए मैं आपको प्रीव्यू भी दे रहा हूँ। आप जाओ पहले चेक करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं, ठीक है। प्रीव्यू देखो, क्वेश्चंस का आइडिया पता चल जाएगा आपको कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती है, पहले आप प्रीव्यू देखो, सब चीज़ करो, उसके बाद इसको परचेज करने की सोचो। इतने में तो आपको इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हो, इवन 8,000 फीस है MCA की, इतनी सस्ती फीस भी आप दोगे कॉलेज में तो इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये जाओ लो, बेस्ट है, और ये करो मॉक दो, एनालिसिस करो, बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना और फिर एनालिसिस करना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो है मॉक टेस्ट को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आ रही होगी। तो जल्दी से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी चीज़ों का, और परचेज करो। थैंक यू, मिलते हैं।